कब होगी ऋषभ की वापसी? सौरव गांगुली ने दिया बड़ा अपडेट। ऋषभ आईपीएल में खेलेंगे या नहीं, गांगुली ने बताया एनसीए कब करेगा फैसला। ऋषभ पंत मैदान पर वापसी के लिए तैयार हो चुकी है, लेकिन उन्हें अभी फिटनेस क्लियरेंस का इंतजार करना होगा, इसके बाद ही आईपीएल में खेल पाएंगे। टीम इंडिया टैलेंटेड प्लेयर ऋषभ मैदान पर वापसी के लिए लगभग तैयार हैं। वे कमबैक के लिए खूब मेहनत भी कर रहे हैं। वे कार एक्सीडेंट के बाद से अभी तक मैदान से दूर ही रहे हैं, लेकिन अब इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में खेलते हुए दिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें फिटनेस क्लियरेंस का इंतजार करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल क्रिकेट एकेडमी 5 मार्च को ऋषभ पंत की फिटनेस क्लियरेंस को लेकर अपडेट दे सकती है। ऋषभ पंत आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए कई बार अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक गांगुली ने बताया कि ऋषभ पंत की फिटनेस क्लियरेंस को लेकर 5 मार्च को फैसला आ जाएगा। एनसीए क्रिकेट एकेडमी जल्द ही अपडेट देगी। गांगुली ने कहा, ऋषभ पंत ने फिट होने के लिए काफी कुछ किया है, इसी वजह से उन्हें एनसीए फिट घोषित करने वाली है। गांगुली ने यह भी बताया कि उनके फिट घोषित होने के बाद कप्तानी के बैकअप को लेकर भी बातचीत की जाएगी। अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को देखें तो वह काफी संतुलित है। उसके पास डेविड वार्नर और अक्षर पटेल जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। इसके साथ साथ मिशेल मार्श और हैरी ब्रूक भी टीम का हिस्सा हैं। पृथ्वी शॉ, खलील अहमद और ललित यादव भी टीम का हिस्सा हैं। शाई होप को मौका मिला तो वे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ऋषभ पंत फिट रहे तो वे प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ कप्तानी भी मिल सकती है। गौरतलब है कि आईपीएल 2024 के शुरुआती 21 मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसमें चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच सीजन का पहला मैच खेला जाएगा। यह मुकाबला 22 मार्च को चेन्नई में खेला जाएगा। वहीं दिल्ली कैपिटल्स का पहला मैच पंजाब किंग्स से है। यह मुकाबला 23 मार्च को मोहाली में आयोजित होगा। दिल्ली इसके बाद राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। यह मैच 28 मार्च को जयपुर में खेला जाएगा। 21 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स से मैच होगा। ऐसे ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही क्रिकेट अपडेट पाने के लिए क्रिकइन्फो हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें